मिनी क्यूबा से नाम से जाने वाले भिवानी जिला के गांव धनाना की लाडली मुक्केबाज नीतू घनगस ने एक बार फिर गोल्डन मंच पर मारकर दिल्ली में आयोजित हो रही विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बीती शाम 6 बजे हुए मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल कर देश में बेटियों का नाम रोशन किया है। 48 किलोग्राम भार वर्ग की मुक्केबाज नीतू घनगस ने एक तरफा फाइनल मुकाबले में मंगोलिया की मुक्केबाज लुत्से खान को 5-0 से हराया है। नीतू की जीत पर उसका पूरा परिवार व कोच गर्व जता रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि अब नीतू साल 2024 के पेरिस में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड ला सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी नीतू के गोल्ड मेडल जीतने को गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए उसे बधाई व शुभकामनाएं दी हैं तथा देश व प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा बताया है। बता दें कि भिवानी को यूं ही मिनी क्यूबा नहीं कहा जाता। यहां के लाडले व लाडली अपने मुक्कों की बदौलत पूरी दुनिया में धूम मचा देते हैं। हरियाणा की लाडली मुक्केबाज नीतू घनगस की जीत पर पारिवारिक सदस्यों का क्या कहना है, आप भी जरूर सुने। आपकी जो स्टूडेंट है नीतू घनगस, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया, कौन सी प्रतियोगिता थी और क्या कुछ स्कोर रहा, किसके साथ मैच था? ये सीनियर वर्ग की महिला विश्व मुक्केबाजी थी और नीतू ने पिछली बार भी विश्व मुक्केबाजी में भाग लिया था और वो क्वार्टर फाइनल में हार गई थी, एक स्कोर से वो पदक से चूक गई थी। और इस प्रतियोगिता में उसने हमारे जो पूरा देश है और हमारी जो और बेटियां हैं उनके लिए एक रास्ता खोल दिया है, पहला स्वर्ण पदक दिया है देश को। ये हमारे लिए और हमारी बेटियों के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी है। मंगोलिया की खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छी खिलाड़ी है, एक दूसरे की रणनीति, एक दूसरे को जानते थे और रिंग में जो रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं वो चाहते हैं कि ओपोनेंट अपना जो अच्छा ना परफॉर्म कर पाए और आप अपने हिसाब से मुक्के जड़ सकें। नीतू ने कई अच्छे पंच जड़े और कई बार थोड़ा क्लिंच भी हुआ, गुत्थम गुत्था भी रहा, तो उस वजह से दोनों मुक्केबाजों को रेफरी द्वारा वार्निंग भी दी गई, लेकिन हमारी बेटी ने अच्छे मुक्कों के हिसाब से इस बाउट को 0-5 से जीत लिया। बहुत खुशी है, पूरी जितनी उम्मीदें थी उन पर नीतू खरा उतरी है और आगे भी देश को गोल्ड ही दिलाएगी, यही सबको उम्मीद है और पूरा मतलब ओलंपिक में उसका गोल्ड ही मेडल आएगा और जितनी उम्मीदें थी सबकी उन पर खरा उतरी है और बहुत ही खुशी है हम सबको। नीतू का मंगोलिया के साथ था, मंगोलिया की बॉक्सर बहुत ही अच्छी बॉक्सर थी तो नीतू ने उसको मार दिया तो नीतू ने 5-0 का स्कोर था। तो आप मैच देख रहे थे, किस प्रकार से धड़कने आपकी रुकी हुई? धड़कने बहुत तेज थी क्योंकि वो भी लड़की बहुत अच्छी थी, नीतू भी अच्छी लड़की थी। बाउट सोचा था कि टफ बाउट होगी, फिर नीतू ने एक तरफा ही बना ली थी बाउट, बहुत अच्छी खेली। मैच से पहले नीतू आपसे मिली थी, क्या शुभकामनाएं दी थी, कितना जोश भरा था? नीतू जब मैं साथ होता हूँ नीतू कभी नहीं आ रही है तो नीतू में मैंने पूरा जोश भर दिया था। नीतू बोले पापा मैं पक्का गोल्ड लेके आऊंगी देश के लिए और वो ही कर देखा नीतू। हमें पूरी उम्मीद है आपको यह खबर अच्छी लगी होगी, इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।